Assalamualaikum guys, my name is Mohammed Mubashir Irfan, you are watching Crypto Movie YouTube channel. Welcome to the Quick BTC Updates. यहाँ पे कल की वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कि हमारे पास जो ये वाला एरिया बन जाता है 16,600 वाला, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको फिबोनाची लेवल्स दिखाए थे, यहाँ पे हमने आपको अपनी ये वाली सपोर्ट जो रेजिस्टेंस थी वो दिखाई थी, जो कि अब सपोर्ट बन चुकी है. ठीक है, हमारे पास इस वाली ट्रेंड लाइन की जो डाउन ट्रेंड में हमें रेजिस्टेंस दे रही थी उसकी यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, और जो हमारे पास एक अप ट्रेंड ट्रेंड लाइन थी जो कि पहले हमें सपोर्ट देती थी उसको हम जब फ्लिप कर चुके थे तो वो भी एक रेजिस्टेंस थी. तो ये सब कुछ एक सेम पॉइंट पर आके जमा हो गए थे और मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को जो एंट्रीज दिलवाई थी वो हमारे पास इस एरिया के अंदर थी, ये वाला एरिया, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस था. ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ जिससे हम बच गए, और फिर मैंने आपको कुछ टारगेट दिए थे जिसमें से पहला टारगेट था 16,400, सेकंड टारगेट था 16,800, लास्ट जो टारगेट था वो हमारे पास था 17,200. ठीक है, मैंने कहा था अगर आपने यहाँ पे एंट्रीज ले ली है ना तो अब आपको यहाँ पे एंट्रीज लेने की भी जरूरत नहीं है, या ब्रेकआउट हो भी जाता है तो भी आपको एंट्रीज लेने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल में जो असल बड़ी रेजिस्टेंस है वो है 17,200 वाला एरिया, जहां से हमें वापस से आज की अगर हम देखें अच्छी खासी क्लोजिंग कर दी थी, लेकिन हमें रेजिस्टेंस जो थी वो यहां से मिली. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मैंने कल वीडियो में साथ साथ बुलवाया भी था कि 17,200 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास, उसका ब्रेकआउट होना काफी ज्यादा जरूरी है. यहाँ पे देखो एक्जैक्टली $70 से हमें यहाँ पे मिली रेजिस्टेंस. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हैं दो सिनेरियोस, कौन कौन से. पहला सिनेरियो ये है कि देखो हमने जब इतनी बड़ी रेजिस्टेंस को फ्लिप किया, जब आप रेजिस्टेंस के ऊपर आके क्लोजिंग कर देते हो तो रेजिस्टेंस क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस फिर आपकी सपोर्ट बन जाती है. ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट. जैसे यहाँ पे ये थी हमारे पास रेजिस्टेंस, इसकी पास्ट एग्जांपल अगर आप देखो, इसने कर दिया ब्रेक, लेकिन ब्रेक करके फेकआउट किया कई ऊपर, फिर यही हमें सपोर्ट दे रही थी, यही आपको सपोर्ट दे रही थी. ठीक है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये चलती है, रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है. ओके, तो ये चीज दिमाग में रखना. अब जो ये है एरिया, ये हमारे पास है सपोर्ट, तो अब आपको वेट करना कि बिटकॉइन कब यहां पर आता है इस एरिया में, कौन से एरिया में, 16,600 से लेके 16,500 वाला एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. यहां पे आए मार्केट, ठीक है, मार्केट यहां पे आके देखो, आप देखो कि यहां पे मार्केट सस्टेन कर रही है, यहां पे मार्केट मतलब फेकआउट तो नहीं कर रही, नीचे तो नहीं जा रही, ये तो नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये अगर हो गया तो फिर आपने एंट्रीज नहीं लेनी. अगर मार्केट यहां पे सस्टेन कर रही है, जैसे यहां पे 10-15 मिनट सस्टेन की, यहां पे आपको बाउंसेस देखने को मिल रहे हैं छोटे-छोटे, यहां पे मार्केट एरिया को बचा रही है, तो यहां पे आप एंट्रीज लो. ठीक है, कौन सा एरिया, 16,600 से लेकर 16,500 तक, यहां पे आप एंट्रीज लो विथ वेरी वेरी टाइट स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस कहां सेट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं. यहां पे आपकी एंट्री हो गई, पहला टारगेट आपका हो गया 17,170 से लेके 17,200, ये टारगेट फर्स्ट आपका टारगेट है, सेलिंग टारगेट. दूसरा सेलिंग टारगेट आपका बन जाता है 17,400 से लेके 500 वाला एरिया, और जो लास्ट आपका सेलिंग टारगेट जो कि थर्ड टीपी आपकी बन जाती है टेक प्रॉफिट, वो है 18,000 से 18,200 वाला एरिया, इस बीच आप सेल कर सकते हो. ठीक है, आपकी एंट्रीज इस तरीके से होनी चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस हो यहाँ पे आप एंट्री लो, तो आपका जो स्टॉप लॉस हो वो सपोर्ट के नीचे हो. सपोर्ट कौन सी, हमारे पास एक लिक्विड एरिया है वो ये वाला एरिया है, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ. इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाने का क्या फायदा है, सबसे बड़ा फायदा जो इसका है वो ये है कि जब मार्केट नीचे आती है तो हमेशा वो अपनी सपोर्ट से बाउंस करती है. ठीक है, सपोर्ट के ब्रेक होने के चांसेस कम रहते हैं, सपोर्ट पे वॉल्यूम होता है, तो इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ना वो सपोर्ट के नीचे होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने में मुश्किल होता है क्योंकि इससे पहले सपोर्ट होती है. स्टॉप लॉस हिट करने से पहले मार्केट को सपोर्ट से हैंडल करना पड़ेगा, अगर वो सपोर्ट ब्रेक करती है तो स्टॉप लॉस हिट होगा. ठीक है, तो ये आप सिक्योर हो जाते हो, तो ये एक अच्छी चीज है. तो स्टॉप लॉस आपका मस्ट होना चाहिए, तकरीबन यहाँ पर 1.5% तक का रिस्क, और आपकी जो पहली टीपी है वो 3%, 3.5% की है, और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट सेलिंग टारगेट है वो ये 17,200-150 वाला एरिया. ठीक है, फिर आपका सेकंड सेलिंग टारगेट मैंने आपको बताया 17,400-500 वाला एरिया, और लास्ट सेलिंग टारगेट है आपका 18,000 वाला एरिया. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एंट्रीज होनी चाहिए, जिस तरीके की एंट्रीज हमने यहाँ ली थी. अब ये तो था हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो. ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ नीचे नहीं हो, मार्केट ऊपर चली जाए. ठीक है, ऊपर चली जाए उसके लिए भी एक सिनेरियो है, क्या यहाँ पे हो ऊपर जाए 17,200, दिमाग में रखना 17,200 के अबव हमारे पास कैंडल क्लोज हो 4 आवर्स की, 1 डे की होती है तो और अच्छी बात है. ठीक है, 4 आवर्स की कैंडल बंद हो गई. ठीक है, बंद हो गई, दूसरी जो कैंडल खुले, ठीक है, वो ले हमारे पास इस एरिया का सपोर्ट. ठीक है, कौन सा एरिया, 17,200-150 वाला एरिया, उसका सपोर्ट ले और यहां से पंप होना स्टार्ट हो, जिस तरीके से हमने यहां पे बात की थी कि यहां पे वो सपोर्ट ले. ठीक है, इस तरीके से यहां पे वो सपोर्ट ले, और यहां पे फिर आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए, मतलब आपकी यहां पे एंट्री होनी चाहिए विथ वेरी टाइट स्टॉप लॉस, 1-1.5% का स्टॉप लॉस. देन आपके जो टारगेट्स होने चाहिए वो अबव के होने चाहिए, जैसे 17,400 और दूसरा टारगेट 18,200. ठीक है, इस तरह की आपकी दो सिनेरियोस बनते हैं एंट्री के. अभी आप वेट करो, फोमो नहीं करना, क्योंकि ये एक बुल ट्रैप भी हो सकता है. एक चीज याद रखना, यहां पे एंट्री लेने से पहले चेक करना, ये नहीं यहां पे मार्केट आई और आपने एंट्री ले ली. ठीक है, क्योंकि फेकआउट्स भी होते हैं, मार्केट पूरी नीचे भी जा सकती है एकदम से. ठीक है, बुल ट्रैप्स में यही होता है, जैसे कि लोग वेट कर रहे थे कि ये सपोर्ट यहां पे एंट्री लेंगे लेकिन मार्केट नीचे चले गई, स्टॉप लॉस भी हंट होते हैं. ठीक है, तो इन चीजों को नजर में रखना, क्लोजिंग
हो गई, अब रिट्रेसमेंट होना जरूरी है। रिट्रेसमेंट होता है कि लगे और बाउंस करे हल्का हल्का, ठीक है, वॉल्यूम आपको नीचे दिखने लगे। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चल जाएगा डिस्कॉर्ड पे। मैं आपको डिस्कॉर्ड पे इस चीज़ के रिगार्डिंग अलर्ट कर दूंगा, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे मैं हर छोटी छोटी अपडेट करता हूँ। यूट्यूब पे देखो ना, यूट्यूब में पूरे दिन की एक वीडियो आके अपलोड करता हूँ, लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर पे मैं जैसे जैसे कोई न्यूज़ आती है उसको फौरन फौरन कवर करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ आती रहती हैं सारी, जो क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ब्लॉक फाइव वगैरह वगैरह हर चीज़ का, उन सब चीज़ों को मैं एक एक सेकंड के अंदर कवर करता हूँ। क्योंकि जिस तरीके की ये मार्केट है ना, आपका फंडामेंटल्स के साथ अटैच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बोलोगे फंडामेंटल्स कैसे देखें, सिंपल है, आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, सारे के सारे फंडामेंटल्स आपको खुद ही यहाँ पे मिल जाएंगे, मैं खुद ही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक चीज संभल के रहना, डिस्कॉर्ड पे मेरे नाम के हजारों फेक अकाउंट है। देखो मेरा जो ऑफिशियल नेम है, मैंने उसमें लिखा हुआ भी है, मोबी आई विल नेवर डीएम यू, मतलब इसका क्या, मैं आपको कभी भी खुद से मैसेज नहीं करूंगा। मेरे नाम के हजारों फेक अकाउंट है, वो आपको क्या बोलते हैं, जी हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर लो, मैं मुबशर हूँ, मेरा प्रीमियम ज्वाइन कर लो, इतनी इतनी फीस है। अगर आपको प्रीमियम ज्वाइन करना है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर में मुझसे कॉन्टैक्ट करो। डिस्कॉर्ड पर मैं डील नहीं करता ना, मैं आपको डिस्कॉर्ड पर खुद से पहले रिक्वेस्ट भेजूंगा ना, मैं आपको मैसेज करूंगा, जो करेगा वो स्कैमर है, ठीक है। आप उसको सिंपली ब्लॉक कर देना, मुझे मत दिखाना, सिंपली ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जिस तरीके से मैंने एंट्रीज बताई, उस तरीके से आपकी एंट्रीज जो है वो मार्केट के अंदर होनी चाहिए। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रीमियम इंटरेस्टेड उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।